हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में शिबा इनू कॉइन से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। यहां पर एक और टोकन की जो शिबा के इकोसिस्टम का टोकन है और ऑफिशियली यहां पर पार्टनरशिप जो है शिबा की टीम के द्वारा उस प्रोजेक्ट से हुई है और उसके साथ ही उसको लेकर भी कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है। लेकिन सबसे पहले अगर हम शिबा इनू कॉइन की बात करें, इसको लेकर इसकी गैस फीस को लेकर भी यहां पर ब्लॉग जो है वो पोस्ट किया गया है। साथ ही एक यूज़र जिसे यहां पर एक बड़ा प्रॉफिट हुआ है, ऑलमोस्ट अगर हम देखें 400x तक का प्रॉफिट यहां पर उस यूज़र ने आने किया हुआ है शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्ट करके। किस प्रकार से यहां पर उसको ये प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले करेंटली अगर हम शिबा के प्राइस की बात करें, 0.00025 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है लास्ट 24 आवर्स में। ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, लास्ट 7 डेज में भी ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में भी ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, 3%। मतलब अब अगर आप देखें, ये लगातार यहां पर हमें साइडवेज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 0.00022 से लगाकर इसका प्राइस जो है वो 26 के लेवल पर बना हुआ है अगर हम लास्ट 1 मंथ में देखें। और अब यहां पर शिबा को बीट करने वाला भी एक टोकन आ चुका है। हम बात कर रहे हैं पेपे की, जो लगातार वर्ल्ड अप टॉप 20 में एंटर कर चुका है। मतलब नंबर 3 पर रैंक कर रहा है मार्केट कैप के बेसिस पर, जहां पर मीम कॉइंस की लिस्ट है जिसमें अभी तक अगर आप देखें तो डॉज और शिबा को कोई बीट नहीं कर पाया है। शिबा लगातार कोशिश करता है डॉज को बीट करने की, लेकिन पेपे भी अब जिस तरीके से बढ़ रहा है ऑलमोस्ट यहां पर टॉप 20 में एंटर कर चुका है। टॉप 15 में भी हमें बहुत जल्द नजर आ सकता है अगर थोड़ा भी यहां पर प्राइस बढ़ता है तो। अब यहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा मीम कॉइंस में। और अगला कौन सा कॉइन हो सकता है, फ्लोकी भी हो सकता है दोस्तों, जो आपको यहां पर टॉप 20 में एंटर करता हुआ नजर आ सकता है। जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर मीम कॉइन्स का डोमिनेंस कितना ज़्यादा मार्केट में ग्रो हो रहा है और इन्वेस्टर्स कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं मीम कॉइन्स में और उसमें कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, एक अच्छी चीज़ है। 69% वॉल्यूम बढ़ चुका है, नंबर 17 पर रैंक कर रहा है 24 आवर्स में। वॉल्यूम बेसिस पर $1 बिलियन के अबव वॉल्यूम यहाँ पर फिर से पहुँच चुका है और काफ़ी टाइम बाद हो रहा है। अगर आप यहाँ पर इस चार्ट को भी देखेंगे तो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। इससे पहले अगर हम इस वॉल्यूम की बात करें तो ये यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था, 350 के आसपास जो वॉल्यूम है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन अचानक यहां पर वॉल्यूम में स्पाइक देखने को मिली और $1.05 बिलियन। इससे पहले आप देख सकते थे यहां पर कितना था, $500 मिलियन के आसपास था, 900 मिलियन, और अब यहां पर $1 बिलियन के अभाव पहुंच चुका है। मार्केट कैप भी यहां पर बढ़ा हुआ है $14 बिलियन से, ऑलमोस्ट यहां पर $15.1 बिलियन के अभाव देखने को मिल रहा है और इस बेसिस पर ये नंबर 11 पर रैंक कर रहा है। अब बात कर लेते हैं यहां पर इससे जुड़ी अपडेट्स की, तो आप देख सकते हैं यहां पर लूक ऑन चेन ने ये डेटा शेयर किया हुआ है, जहां पर एक डोरमेंट वेल ने लगभग 3.5 साल पहले शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और फाइनली उसने यहां पर शिबा को सोल्ड कर दिया है। प्रॉफिट कितना हुआ है वो आप यहां पर देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 419x, मतलब यहां पर 420 गुना से ज्यादा प्रॉफिट यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसने कितने अमाउंट यहां पर स्पेंड किया था, लगभग 2 ETH को यहां पर इसने सेल किया था, जिनकी कीमत अगर हम देखें $2,625, और उसको यहां पर बाय करने के लिए, मतलब कितने अमाउंट यहां पर बाय किए थे शिबा इनू कॉइन के, ऑलमोस्ट 48 बिलियन शिबा इनू टोकन को February 1, 2021 में बाय किया था। और अब अगर आप देखें उसी की कीमत, जहां पर $2,625 हो रहे थे, उसकी कीमत कितनी पहुंच गई, $1.1 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट यहां पर 419x। और ये जो डेटा है वो भी यहां पर शेयर किया है, आप यहां पर देख सकते हैं अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, ETH को बाय सेल किया, वो पूरा डेटा यहां पर देखने को मिलेगा जिसे यहां पर शेयर किया गया है शिबा की टीम के द्वारा भी। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिबा ने काफी लोगों को यहां पर मिलियनेयर बनाया हुआ है, जिन्होंने एक छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट किया उनको भी यहां पर इसने मिलियनेयर बनाया, क्योंकि अभी तक लोवेस्ट लेवल से ये काफी ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है। अब अगर हम बात करें यहां पर जो इनका अगला टोकन होने वाला है, अगला टोकन मतलब यहां पर ऑफिशियली जो पार्टनरशिप देखने को मिल रही है शिबा के इकोसिस्टम में, ये जो प्रोजेक्ट है वो यहां पर पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है। हम यहां पर शिबेरियम की बात कर रहे हैं K9 फाइनेंस की, तो K9 फाइनेंस के साथ यहां पर पार्टनरशिप हो रही है और K9 फाइनेंस के बारे में लगातार यहां पर अपडेट जो है इनकी टीम भी प्रोवाइड कर रही है और उसके साथ ही शिबा भी ऑफिशियली यहां पर इसको लेकर जो अपडेट्स है वो देता रहता है। एल बैंक एक्सचेंज के द्वारा यहां पर अवेलेबल कर दिया गया है K9 फाइनेंस को, इससे पहले भी एक और एक्सचेंज पर आया था। तो अब अगर आप देखें ये लगातार इसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, मार्केट्स में यहां पर ये ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन की, शिबा इनू कॉइन ने यहां पर फ्लिक किया हुआ है AVX को, उसके साथ ही BTC, इथेरियम, इन सभी कॉइंस को यहां पर इसने लास्ट 24 आवर्स में अगर हम देखें तो यहां पर बीट किया हुआ है। बीट करने का मतलब है कि इनको यहां पर पीछे किया हुआ है और ये डोमिनेंस यहां पर हमेशा से देखने को मिलता है शिबा इनू कॉइन में, जहां पर वो अदर क्रिप्टोकरेंसीज को बीट करता है क्योंकि उसको यहां पर सबसे ज्यादा सर्च भी किया जाता है और उसके साथ ही इसका जो
यहाँ पर सोशल मीडिया पर डोमिनेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर K9 के बर्न का भी यहाँ पर एक जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है। इन्होंने कहा था कि वे विटालिक ब्यूटेरियन को जो ऑनर है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसके लिए वो भी यहाँ पर 410 मिलियन, उन्होंने जो ट्रिलियन में बर्न किए थे शिबा को, ये 410 मिलियन K9 टोकन को बर्न करने वाले हैं। बर्न डेट यहाँ पर शेयर की गई है 31st of May को यहाँ पर ये K9 टोकन्स को बर्न करेंगे। तो K9 के लिए अच्छी अपडेट है कि यहाँ पर दो बड़ी गुड न्यूज आ रही है इसको लेकर, एक तो बर्निंग आने वाली है और दूसरी यहाँ पर एलबैंक जैसे बड़े एक्सचेंज ने भी यहाँ पर इसे अवेलेबल कर दिया है। शिबेरियम में अगर आप देखें यहाँ पर डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है, इसका जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है और फीस है वो यहाँ पर डबल डिजिट में इंक्रीज हो चुकी है, जो एक अच्छा साइन है कि फिर से यहाँ पर इसका यूज केस जो है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा शिबा इनू के कॉइन को लेकर एक और अपडेट आ रही है, जो इनकी गैस फीस है उसको समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक ब्लॉग भी पोस्ट किया हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है क्यों गैस फीस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसके साथ ही गैस फीस का क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ यहाँ पर इस ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम अदर अपडेट की बात करें, अर्जेंटीना यहाँ पर एल सेल्वेडोर के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ डिस्कशन करता हुआ नजर आ रहा है और एडॉप्शन जो आपने किया हुआ है एल सेल्वेडोर ने BTC और क्रिप्टो को लेकर, उसके बारे में यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज के बीच में चर्चा हो रही है। मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में अर्जेंटीना भी इस तरीके का यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एल सेल्वेडोर है जिसने यहाँ पर एक्सेप्ट किया हुआ है BTC को क्रिप्टो को, उस तरीके का एडॉप्शन यहाँ पर ये कंट्री भी कर ले। और कोई अपडेट आती है दोस्तों आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे, तो चैनल से जुड़ जाएं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।